मूवी का शुरुआत होता है वेस्ट वर्जीनिया के एक सैनिटोरियम से, जो कि होता है 1974 का। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है एक छपरी डॉक्टर और डॉक्टर एन को, और छपरी डॉक्टर डॉक्टर एन को बोलते हैं यहाँ पर सभी डिफॉर्म्ड पेशेंट को रखा जाता है। और तभी एक पेशेंट हमारे डॉक्टर एन को पकड़ लेता है और उनके बालों में से हेयर पिन निकाल लेता है, और फिर जैसे तैसे छपरी डॉक्टर डॉक्टर एन को बचा लेता है। उसके बाद छपरी डॉक्टर डॉक्टर एन को लेकर आता है हिल्लीकर ब्रदर के सेल पे, जहाँ पर होता है थ्री फिंगर, सॉ टूथ एंड वन आई। ये लोग मिसेस हिल्लीकर को जंगल में मिले थे, और जब तक ये लोग मिले थे तब तक ये अपने पेरेंट्स को खा चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों का नाम हिल्लीकर ब्रदर्स रख दिया गया। ये लोग बहुत खतरनाक है क्योंकि इनमें से एक अपना दो अंगूठा खा लिया, दूसरा वाला अपना एक आँख खा लिया, और तीसरा वाला तो इतना गुटखा खाता था कि क्या ही बोलूं। तभी हम लोग देख पाते जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन का हेयर पिन निकाला था वो लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इतना स्मार्ट नहीं होता है तो वो नहीं खोल पाता है। फिर हिल्लीकर ब्रदर इससे लॉकर मतलब वो जो हेयर पिन है वो मांग लेता है। उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा सबसे स्मार्ट होता है थ्री फिंगर, तो थ्री फिंगर लॉकर खोल देता है। लॉकर खोलने के बाद अब होगा असली मुजरा, जी हाँ दोस्तों। तो उसके बाद गाइस ये लोग बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को ये लोग मार देते हैं, जी हाँ दोस्तों उसको मार देते हैं। उसको मारने के बाद उसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद असली मुजरा शुरू हो जाता है भाई साहब, पूरे सैनिटोरियम में पूरा मुजरा हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि डॉक्टर एन को ये लोग पकड़ चुके थे। पकड़ने के बाद डॉक्टर एन को एक बेड में बांध कर इतना ज़्यादा शॉक देता है, इतना ज़्यादा शॉक देता है कि जब तक उसका भेजा फ्राई नहीं हो जाता तब तक उसको शॉक दिया ही जाता है। उसके बाद इसका भेजा फ्राई हो जाता है और इसका डी एंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख पाते कि छपरी डॉक्टर को ये लोग पकड़ चुके थे, और हाँ अपने ही स्टाइल में, बहुत ही यूनिक स्टाइल में छपरी डॉक्टर का भी डी एंड हो जाता है। उसके बाद मूवी शुरू होता है 2003 में, जहां पर हम लोग कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को देख पाते हैं, और ये लोग नॉ स्टूडेंट होते हैं। ये लोग अपने ही किसी फ्रेंड के जगह पर जाने वाले थे, तो ये लोग स्नो मोबाइल लेकर यहां से निकल जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तूफान ख़राब होने के मौसम ख़राब होने की वजह से ये लोग रास्ता भटक जाते हैं और यहाँ पर ही गुम हो जाता है। फिर इन लोगों को किसी जगह पर रहना होता है, तो इसीलिए इन लोगों को कई जगह पर रहने की ज़रूरत होता है। तभी इन लोगों को एक सैनिटोरियम दिखता है, और ये सैनिटोरियम वही सैनिटोरियम है जो कि 1974 में तबाही हुआ था। उसके बाद गाइस ये लोग उसी सैनिटोरियम के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इन लोगों को भाई साहब अपना जी बैठा के नहीं रख सकते, तो इसीलिए ये लोग मुजरा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर ये लोग इधर जाते हैं उधर जाते हैं, हर जगह पर घूमते हैं, फिर ये लोग मुजरा करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, है ना, किसी एक जगह पर कोने पर बैठ जाओ यार सुबह होके निकल जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हम लोग देख पाते कि दो ब्रदर्स किसी को लेके आ रहे हैं। तभी इन लोगों को कुछ नोट्स मिलता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं डिफॉर्म आदमियों को यहाँ पर रखा जाता था। तो फिर ये लोग गाइस किसी का आवाज़ सुनते हैं, फिर ये किसी को महसूस करते हैं, और ये जो होता है ये थ्री फिंगर होता है जो कि इन लोगों को चुपके से देख रहा होता है। तब ये छपरी लौंडे को इधर से तरफ जा रहा था, और तभी ये बोलता है कि मुजरा हो गया, हाँ प्रैंक हो गया तुम लोगों के साथ, प्रैंक हो गया। हाँ ये छपरी लौंडा इन दो चिमकांडियों को डरा देता है। तभी हम लोग देख पाते कि जो हमारा वन आई है वो इन लोगों को चुपके से देख रहा है। उसके बाद ये जो चिमकांडी लोग हैं ये लोग नाराज़ होते हैं उस छपरी लौंडे से, तो छपरी लौंडा इन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अकेला ही जनरेटर ऑन करने के लिए चला जाता है और पावर ऑन कर भी देता है। हाँ लौंडे में दम है। उसके बाद गाइस पावर ऑन होने के बाद फिर से ये लोग मुजरा करना स्टार्ट कर देते हैं, बियर वगैरह पीना स्टार्ट कर देते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। तभी हम लोग देखते हैं वन आई इन लोगों को चुपके से देख रहा होता है, हाँ देख रहा होता। उसके बाद ये लोग मुजरा करते हुए एक हॉल पे आ जाता है, जहाँ पर इन लोगों को मिलता है एक कैसेट, और फिर ये लोग बोलते हैं चलो कैसेट प्ले करते हैं। उसके बाद ये लोग कैसेट को प्ले करते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि जो हिल्लीकर ब्रदर्स होते हैं इन पे सबसे ज़्यादा टॉर्चर होता था, और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होता था ये हिल्लीकर ब्रदर्स के ऊपर ही होता था, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन भी होता था शायद, है ना। तो
इसीलिए शायद ये लोग पगला गए हैं ना, पता नहीं क्या हो गया। फिर गाइस ये जो लड़की होता है, जिसका मतलब चिमकांडी होता है, ये बोलता है कि मेरा जो भाई है वो इनके बारे में कहानी सुनाता था, लेकिन इसको कोई सीरियस नहीं ले लेता। उसके बाद ये लोग चले जाते। तभी हम लोग देख पाते इस छपरी लौंडे को, जो कि रात में इसको नींद नहीं आता। फिर ये घूमता घूमता यहाँ पर पहुँचते, तभी इसको कुछ दिखता है, उसको लगता है ये उसका फ्रेंड है। लेकिन वो जैसे सामने की तरफ जाता है तो देखता है उसका फ्रेंड टपक चुका है। तभी हम लोग देख पाते कि सॉ टूथ आके इसके सर पे घुसा देता है। उसके बाद हम लोगों को सॉ टूथ दिखता है जो कि बुड्ढा हो चुका है। हाँ, पहले छोटा था लेकिन अभी बुड्ढा हो चुका है। उसके बाद इसको खींच के लेकर चला जाता है। उसके बाद सुबह हो जाता है। सुबह होने के बाद ये लोग देखते हैं कि अपना जो एक छपरी लौंडा है, मतलब अब इनका जो एक छपरी दोस्त है, वो गायब है। हाँ, सभी लोग खोजते हैं उसको, लेकिन किसी को भी वो नहीं मिलता है। उसके बाद कई ये लोग बेसमेंट पर भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन लोगों को नहीं मिलता है। तभी ये लोग उसी वाले जगह पर आता है जहाँ पर खून लगा हुआ होता है, और तभी इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ है। फिर ये लोग डर जाते हैं। डरने के बाद गाइस हम लोग देख पाते हैं कि एक चिमकांडी मतलब चुपके से देख रहा है इन लोगों को, और जो हमारा सॉ टूथ है ये अपने ही दोस्त को, मतलब इनके ही जो छपरी लौंडा वाला दोस्त था, उसको सॉ टूथ काट रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये चुपके से देख लेता है। उसके बाद कैसे ये लोग यहाँ पर आते हैं। फिर ये आके बोलता है कि यहाँ पर गड़बड़ा भाई, निकल जा पतली गली पकड़ के, नहीं तो हम लोग भी मारे जाएंगे। उसके बाद तभी हम लोग देखते उसी वाले छपरी लौंडे का जो कपड़ा है वो किसी ने फेंका, और उसके अंदर कुछ तो है, जो कि ये चिमकांडी देखने के लिए जाता है और देखने की कोशिश करता है कि वहाँ पर क्या है। और जैसे वो खोलता है तो देखता है उसी छपरी लौंडे का कटा हुआ सर होता है उसमें। उसके बाद ये एक प्लान होता है, और फिर इसके गले में कुछ फंस जाता है, और फिर इसको ऊपर में खींचना स्टार्ट कर देता है, और ये हिलिकस बदर से कर रहे थे। और तभी गाइस जो हमारा छपरी लौंडा है वो इसको बचाने के लिए इसका पैर पकड़ता है और उसको खींचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये खींचेगा तो उसका मुंडी नहीं कट जाएगा यार, तो ये फुल्ली मर जाता है। उसके बाद ये लोग भागा भागा अपना स्की मोबाइल देखने के लिए आता है, और फिर देखता है कि स्की मोबाइल पे भी किसी ने पावर को कट कर दिया है, और अब स्की मोबाइल चलेगा नहीं। उसके बाद गाइस ये लोग सोचते हैं कि आप क्या करें। तभी गाइस इनका एक छपरी दोस्त होता है जो कि स्की मास्टर होता है, तो वो निकल जाता है और बोलता है मैं बुला के लेके आऊँगा। तभी ये लोग अंदर आ जाते हैं, और अंदर आने के बाद अब इन लोगों के पास हथियार नहीं होता है, तो ये लोग सोचते हैं पहले हथियार का जुगाड़ करते हैं, उसके बाद इन हिलिकस ब्रदर्स को देखते हैं। फिर ये लोग बेसमेंट पर आते हैं, क्योंकि बेसमेंट पर ही कुछ हथियार रखा हुआ था, तो ये लोग बेसमेंट पर आते हैं। बेसमेंट पर आते हैं तो देखते हैं थ्री फिंगर इनका पीछा करता है चुपके से, लेकिन ये लोग नहीं देख पाते थे। फिर गाइस बेसमेंट पे आने के बाद ये लोग छुप जाते हैं बेसमेंट पे ही। उसके बाद गाइस तभी हम लोग देखते हैं जो हमारा वन आई है वो इनके ऊपर ड्रिल चला रहा था। तभी इस वाले चिमकांडी लौंडिया को पकड़ लेता है, और तभी हम लोग देखते चिमकांडी जो लड़कियाँ है वो इसको बचाने के लिए वन आई के हाथ में चाकू मारता है। फिर वन आई दर्द से उसको छोड़ देता है, और फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा सॉ टूथ है वो एक और चिमकांडी मतलब छपरी लौंडे को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद उसको घसीट के लेके चला जाता है, और फिर उसका चमड़ी काटना शुरू कर देता है। और ये लोग इतने देर से, वो जब चिल्ला रहा था तब इतने देर से ये लोग प्लानिंग बना रहे थे कि उसको बचाने जाए कि ना जाए। मैं बोलूँगा कि भाई इतने देर में जब तक तुम लोग बचाने जाओ तब तक तो उसका भेजा फ्राई हो जाएगा ना। अब देखो ये उनका चमड़ी काट कर उसी को मतलब फ्राई करके खा रहा था। अब उसके बाद ये लोग डिसाइड करते कि हाँ उन लोग अब उसको बचाने जाएंगे, और मैं बोलूँगा कि भाई इतने देर में क्या ही कर लोगे तुम लोग। बाकी उसके बाद ये लोग बचाने के लिए आते हैं, लेकिन तब तक जब तक ये लोग बचाने आते हैं तब तक इनका जो दोस्त होता है वो टपक जाता है। उसके बाद जैसे तैसे ये लोग इनसे फाइट करते हैं, और इन लोगों को उसी वाले सेल पे फिर से डाल देते हैं जहाँ पर ये लोग 1974 में थे। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको जला के मार देंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन तभी एंट्री होता है इस मैडम का, जिसको मैं बोलूँगा अल्ट्रा प्रो मैक्स चिमकांडी। जी हाँ दोस्तों, अब इतने देर से जब इनके दोस्त को ये लोग मार रहे थे तब इनका आत्मा नहीं जगा, तब इसका आत्मा नहीं जगा, लेकिन जब इन लोगों को जलाने की बात आई तब इनका आत्मा जग गया, और फिर
मतलब जलाने नहीं दिया यार। मतलब अब मैं बोलूँगा कि ये लोग सारे के सारे मरेंगे ना, तो सारे इसी वाले लौंडिया के वजह से ही मरेंगे। अब वहाँ पर मारने तो नहीं देता है, तो ये लोग सोचते हैं यहाँ पर गार्ड देंगे। तब ये छपरी लौंडा गार्ड देते देते सो गया, और तभी हम लोग देख पाते हैं कि वही सेल में वही पिन है जो कि रहना भी चाहिए। और तभी फिर से थ्री फिंगर अपना कमाल दिखाता है और वो लॉकर फिर से खोल देता है और फिर सॉ टूथ इसका गर्दन पकड़ लेता है। और फिर क्या होता है आप लोगों को पता ही है। उसके बाद गाइस हम लोग देख पाते कि वही अल्ट्रा मैक्स प्रो जो हमारा चिमकांडी है वो इसको खोजने के लिए आता है और देखता है सेल भी खुला हुआ है और उसका छपरी दोस्त भी गायब है। तब ये आके बोलता है कि हमारा छपरी दोस्त गायब है और सेल भी खुला हुआ है, और ये ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि इस वाले अल्ट्रा मैक्स प्रो लौंडिया के वजह से ही हुआ सब कुछ, है ना। बाकी तभी हम लोग देख पाते कि कोई बंदा है जिसके मुँह पर कुछ बंधा हुआ है, ठीक है। तो इन लोगों को लगता है कि वो हमारा थ्री फिंगर होता है और ये इन पर हमला कर देता है। और उसके बाद जैसे इसका मुँह खोलता है तो देखता है कि असलियत में वो उनका दोस्त ही होता है। जी हाँ दोस्तों, जिनको ये लोग मार दिया, और इसका जीभ कटा हुआ था तो इसीलिए ये बात नहीं कर पाया था। उसके बाद गाइस ये लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है क्योंकि ऑब्वियस बात है अपने दोस्त को मार दिया। तभी गाइस हम लोग देख पाते हैं लिकस ब्रदर्स इन पे हमला कर दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही बचा था, कोई भी लड़का नहीं बचा था, तो इन लोगों को ही कुछ करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। तभी हम लोग देख पाते कि ये एक सैनिटोरियम होता है, तो इसलिए इनका सारा खिड़कियाँ सील होता है। जी हाँ दोस्तों, फिर भी इन लोगों को एक कटा हुआ मतलब खिड़की दिख जाता है जो जिसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। तो ये लोग बर्फ़ हटाने की कोशिश करता है और बर्फ़ हटा भी देते जैसे तैसे, लेकिन इनका एक मतलब छपरी नहीं बोलूँगा चिमकांडी फंस जाता है। और ये भी मैं बोलूँगा उसी वाले अल्ट्रा प्रो मैक्स चिमकांडी की वजह से हुआ। उसके बाद गाइस ये लोग निकल जाते हैं, निकलने के बाद ये तीन चिमकांडी निकल जाता है, लेकिन तभी हम लोग देख पाते हैं कि हिलिगस ब्रदर्स इनके पीछे पड़ चुका है। और फिर इनमें से एक चिमकांडी को ये लोग पकड़ लेते हैं, हिलिगस ब्रदर्स उनमें से वन आई जो होता है वो पकड़ लेता है एक चिमकांडी को और उसको घसीट के लेके जाता है और फिर उसको मार देता है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं इसकी एक्सपर्ट उस वाले लड़की को जो कि बर्फ़ में जम के मर चुका है क्योंकि इसको तूफ़ान में कुछ दिखा नहीं। और अफसोस की बात है कि इसके सामने ही सड़क था जो कि ये दिखा नहीं इसको क्योंकि तूफ़ान में नहीं दिख पाया होगा। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि हिलिगस ब्रदर्स अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है, सुबह हो चुका है और फिर भी इनका पीछा कर रहा होता है। तभी डंडा लेकर इसने वन आई के मुंह पे मारता है और इन लोगों का ये प्लान होता है, फिर ये लोग जो स्नोमोबाइल होता है वो लेके चला जाता है। और ये लोग इतना ज़्यादा खुश होता है, मुँह फाड़ फाड़ के हंसता है जैसे कोई अभी भी मुँह में लिया है ना, मतलब इतना खुश होता है। उसके बाद ये लोग खुशी में देख ही नहीं पाते कि सामने एक तार लगा हुआ है और फिर इनका कट जाता है, गर्दन कट जाता है। और इसके बाद यहाँ पर मूवी एंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि जो हमारा थ्री फिंगर है वो इनका सर लेता है और यहाँ से रवाना हो जाता है, और यहीं पर ही मूवी एंड हो जाता है।